आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण कृषि क्रांति, जो कि अलग अलग समय में ये क्रांतियाँ हुई। तो देखते हैं सबसे पहले कृषि क्रांति में श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक जो है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जो कि दुग्ध और डेयरी उत्पादन से संबंधित है। 1970 के समय में यह क्रांति हुई थी, वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है वह किया गया था, जिसमें कि अमूल डेयरी जो है वह उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह M.S. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। यह खाद्यान्न उत्पादन है, मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन जो है वह इसमें शामिल था। पीली क्रांति का संबंध जो है वह तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध जो है वह मत्स्य उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वह झींगा मछली उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति जो है वह फल उत्पादन से संबंधित है। वहीं काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से, क्योंकि उर्वरक भूरे कलर का होता है। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध जो है वह नदी जोड़ो परियोजना से है, अर्थात सभी नदी को कनेक्ट किया जाए जिससे कि बाढ़ की समस्या ना रहे। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो है वह सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर जो है वह जूट उत्पादन से है। गोल्डन फाइबर है। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति कहा जाता है बागवानी विकास, शहद उत्पादन इससे। रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति जो है वह अंडा पोल्ट्री उत्पादन से है। और रजत फाइबर क्रांति की अगर बात की जाए तो यह कपास से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण क्रांति थे जो कि अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में हम क्रांति को लेकर के आए हैं। आगे की वीडियो जल्द ही लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।